फिर से कुछ वीडियो आए हैं जिसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बांग्लादेशियों के साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश में, और ये सीरीज़ ही पूरी कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुकी है। हालांकि आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या रही है, बांग्लादेश को जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और सब लॉजिक दिए थे। इस बार तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले को नाले में फेंक दिया गया, तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ें हो रही हैं। मैंने आपको बताया था 1947 में जब बंटवारा हुआ था, बंटवारा में बिहार के जो मुस्लिम थे, मतलब बिहार से जो बिहारी मुस्लिम थे, वो बांग्लादेश की मतलब बांग्लादेश गए, ढाका गए ऑब्वियसली, क्योंकि वो पास था, और वहाँ से वो 1971 में उन्होंने सपोर्ट किया किसको, पाकिस्तान आर्मी को, जिसके बाद बांग्लादेश में उनको नागरिकता नहीं मिली और वो रिफ्यूजी एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। লজ্জা লাগে না আপনি লজ্জা খোলেন, এটা খোলেন 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 ভাই, গ্যাস লাইট আছে, ছিলেন উপরে উঠান, মজা কিসের, 3 মিলিয়ন মার্টির, ওকে, 3 লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ পাইছি আমরা, সেই পাকিস্তান চলে আসছি না, আপনার কাছে রাখেন নিতে আসলে ওরা উত্তম মধ্যম দিবেন, নিতে আসবে।
तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, मैंने दो वीडियो और ऐड कर दिए थे क्योंकि आपको भी पता है कि जो जितने भी रिसेंट अभी जो इंसिडेंट हुए हैं बांग्लादेश सीरीज के दौरान दर्शकों के साथ, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये शुरू हुआ था कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला T20 मैच हुआ, उस टाइम पे हुआ ये कि जो मीरपुर का ग्राउंड है उससे 5 मिनट की दूरी पर है क्या, वो पाकिस्तान रिफ्यूजी कैंप, मतलब बिहारी मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप। बिहार के लोग कुछ कमेंट करते हैं कि आप बिहार का नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका बिहार से लिंक किस तरह है कि जो बिहारी मुस्लिम थे वो 1947 में गए थे यहाँ, और यहाँ वो भोजपुरी स्पीकर थे ऑब्वियसली, और वो बंगाली स्पीकर के साथ उतना घुल मिल नहीं पा रहे थे। और 1971 में आपको पता हुआ क्या, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली ये बिहारी मुस्लिम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो यहाँ से उनको ले जाएंगे, लेकिन 1-2 लाख को लेगा, उसके बाद किसी को नहीं लेगा। और यहाँ पर बिहारी जो है एज अ रिफ्यूजी रहने लगे। आप जाकर यूट्यूब पर या आप जाकर गूगल पर इनके बारे में और भी कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये बिहारी लोग अब जो जनरेशन जनरेशन ऑब्वियसली रिफ्यूजी कैंप में उस टाइम के अभी के जो नए बच्चे पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही मतलब इनके अंदर जो बांग्लादेशी उनके अंदर एग्रेशन है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये समझ सकते हो आप। तो यही चीजें हैं कि वो मतलब वो 1971 की वॉर और वो जो लोग मारे गए उनकी डिसरिस्पेक्ट है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश में। तो आपके क्या व्यू हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पाकिस्तान ने तो जब स्टार्टिंग में पाकिस्तान को ये सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के जो PCB के ट्विटर ने, पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल ने ये खबरें मतलब चलाएं कि बिहारी हमें, मतलब बिहारी नहीं बांग्लादेशी हमें इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताएंगे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पर डिस्कशन हुआ है, जो बिहारी रिफ्यूजी हैं उनको कब, बिहारी मुस्लिम रिफ्यूजी उनको कब ले जाओगे आप बांग्लादेश से पाकिस्तान, मतलब ये डिस्कशन होता रहा है, लेकिन अब तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है कि वो अब जाएंगे। ऑब्वियसली 5 लाख से अब वो कितने सारे हो गए होंगे आप समझ सकते हो, बहुत सारे तो इंडिया आ गए होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि लैंग्वेज सेम है, यहाँ पर आकर सेटल भी हो गए होंगे, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होगा। दोस्तों आपको ये बता दें कि आप लोग कमेंट करते हैं कि बांग्लादेश बहुत अच्छा बांग्लादेश, ये गलत है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में मैंने देखा है सोशल मीडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा हेट मतलब इंडिया के लिए बांग्लादेश में है, लोकल आवाम में, ये आपको गारंटी से बता सकता हूँ। अगर कोई बंगाली स्पीकर, बंगाली बोलने वाला बंदा जो यूट्यूब देख रहा है, प्लीज़ ये वीडियो देख रहा है कमेंट में, वो एक्सप्लेन कर सकता है। मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, पता नहीं मुझे क्या इसके पीछे लॉजिक समझ में आया, मुझे वही खिलाफत और ये सब मुस्लिम उम्मा टर्की के करीब इस तरीके की चीज़ें समझ में आई हैं। जो बांग्लादेश के लोग हैं वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा नफरत करते हैं इंडिया से, लोकल आवाम की बात कर रहा हूँ, मैंने ये महसूस किया है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान तो इनफैक्ट अगर अपने अभी क्रिकेट मैच चालू हो जाए और अच्छे रिलेशनशिप हो जाए तो उनके अंदर शायद उतना हेट ना हो जितना बांग्लादेश के अंदर है, मुझे ये पता नहीं क्यों, ये लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तानियों के अंदर इतना शायद आपको हेट ना मिले जितना बांग्लादेश के अंदर है हेट। प्लीज़ अपनी राय जरूर दें, ये मेरी राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।